नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल दिव्या एस्ट्रो में, और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए न्यू ईयर पर खास वीडियो बनने वाला है, क्योंकि यह जो वीडियो है एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। यह वीडियो मैंने स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। इस वीडियो में आपको कुछ जवाब मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस वीडियो में आपको अपने भविष्य से लेकर कुछ जवाब मिलने वाले हैं। तो यदि आप भी वह जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा कि आपको यह जवाब किस प्रकार से मिलेगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। और यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अभी के अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर इसी प्रकार से जानकारी से भरे वीडियोस मिलते रहते हैं। मैं ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा और साथ ही साथ व्रत और त्यौहार से जुड़ी जानकारी समय समय पर अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं उस स्पेशल वीडियो की। देखिए, आप यह वीडियो जब देखें और मैं जब यह एक कुछ स्पेशल चीज़ आपके सामने रख रही हूँ, उससे पहले आप अपने मन को, अपने चित्त को बिल्कुल शांत कर लीजिए। आप कोई भी विचार अपने मन में फिलहाल ना रखें, किसी प्रकार का कुछ भी आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ साफ चित्त मन से अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। आप अपने इष्ट देव का पहले ध्यान करें। इष्ट देव का ध्यान करने के बाद में अब आपको जो स्क्रीन पर अंक दिख रहे हैं, उन अंकों में से किसी भी एक अंक पर सीधे हाथ की तर्जनी अंगुली से आपको उस अंक को छूना है। उस अंक पर आप हाथ रख दीजिए अपनी तर्जनी अंगुली से, सीधे हाथ की तर्जनी अंगुली से। जो भी अंक आ रहा है वह अंक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपको आपके भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब दूंगी। मैं जवाब दूंगी कि आने वाला समय आपके लिए या तो कैसा होगा, आपका जो भी कार्य आप सोच रहे हैं वो कार्य होगा या नहीं होगा, आपके कष्ट दूर होंगे या बढ़ेंगे। जिस प्रकार का भी उस अंक के अकॉर्डिंग जवाब होगा, वह जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी। और हाँ, इस वीडियो में आपको 100% कमेंट्स के 100% आंसर मिलने वाले हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि एक जातक, एक प्रश्नकर्ता सिर्फ एक बार ही यह कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार इष्ट देव का ध्यान करें और अंगुली उस पे अंक पे रखें, ऐसा नहीं। एक जातक एक बार ही यह कार्य करें। अपना साफ मन, साफ चित्त रखें आप और इष्ट देव का ध्यान करें और सीधे हाथ की तर्जनी अंगुली से अंक को छुए। उसके बाद आप मुझे बताइए कौन सा अंक जिस पर आपने अंगुली रखी है, वह अंक आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। 1 से लेकर 31 तक अंक मैं आपके सामने इस स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। इन अंकों में से आप किसी भी अंक पर अपनी तर्जनी अंगुली रख सकते हैं।
जो भी अंक आपका आया है उस अंक को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको मैं तुरंत जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। जय श्री राम।